गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब में गाइज़। तो आज हम दोबारा से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो मैं आज आप करने वाला हूँ गाइज डायमंड की माइनिंग। मैं आपको बताने वाला हूँ डायमंड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैं हॉर्स को टेम कर लेता हूँ गाइज क्योंकि अपने पास सैडल है, तो वो भी बताऊँगा आपको किस तरह से टेम करना होता है हॉर्सेस को। तो गाइज कोई भी हॉर्स दे सकते हो, जो आपको छोटे हॉर्स को नहीं टेम कर सकते आप, बड़े हॉर्सेस के लिए उनको आप अगर अट्रैक्ट करना है तो आप वीट दिखा के अट्रैक्ट कर सकते हो गाइज। इस तरह से आप उनको वीट भी खिला सकते हो, देखो इस तरह से वीट खिला सकते हो उनको। और गाइज अगर आप सैडल हाथ में लेके इनकी तरफ माउंट करने की कोशिश करोगे ना तो ये बैठेंगे नहीं। देखो दिखाता हूँ, अगर सैडल हाथ में, अभी मैं इसके ऊपर माउंट की कोशिश करता हूँ, देखो इस तरह से करते गए। आप सैडल हाथ में लेके कौन सा भी हॉर्स को अगर ऐसे करोगे ये बैठेंगे नहीं, बट अगर सैडल हाथ से हटाया फिर आप माउंट कर सकते हो गाइस। यही आपको बताना था, कुछ लोगों को पता नहीं होता ये, और जब तक इसके ऊपर माउंट करना है जब तक ये आपके आपसे अटैच नहीं हो जाता गाइस। देखो अटैच हो गया, उसकी तरफ दिल के साइन आ सकते हैं बाजू को, और बस अब हमें इसके ऊपर सैडल लगाना है। तो अभी हमारा ये हॉर्स हो गया, अभी हम इसको जहाँ पर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं गाइस। और अगर पिक को अगर आपने सैडल पहना दिया तो आपको फिशिंग रॉड चाहिए विथ कैरेट के साथ, अगर आप उसको आप ये कर सकते हो गाइस। उसको फिशिंग रॉड के साथ कैरेट होगा तो आप जिस साइड उस कैरेट को घुमाओगे ना तो वो उस साइड चलेगा। मैं इस हॉर्स को अंदर रख देता हूँ और अभी कुछ माइनिंग करने चलते हैं। भाई रुक जा सैडल उतारने दे इसके, क्योंकि गाइस हॉर्सेस पता नहीं कभी डिस्पॉन भी हो सकते हैं गाइस, इसलिए आपको सैडल उतार के रखना है क्योंकि आपका सैडल घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको रुक के छोड़ देते हैं। अभी जा भाई, जिस साइड जाना है तेरे को जा सकता है। ओके यही बताना था आपको, और ये भी मैं इसको अंदर रख देता हूँ और चलते हैं कुछ माइनिंग करने। ओके अभी मेरे साथ लगता है मुझे टॉर्चेस की ज़रूरत पड़ेगी, सैडल वगैरह है, ये ब्लॉक वगैरह अंदर रख देता हूँ। तो चलो सही है, इतना ही हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। सो और अभी मेरे पास कौन सी चेस्ट प्लेट है देखता हूँ, जो मैंने जॉम्बी से मार के ली थी, ये गोल्ड की है, गोल्ड की रख के रख देता हूँ अंदर। और ये पहन लेता हूँ, और ये भी हेलमेट पहन लेता हूँ, थोड़ा सा हेल्थ का हमें इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, और बीफ वगैरह है हमारे पास, और थोड़ा बहुत मैंने इस साइड भी रखा था तो ये भी ले लेते हैं। तो चलो सही है, बस अभी बहुत सारा काम हमारा बाकी है, अभी चलते हैं माइन की तरफ। जो हमने प्रीवियस में एक माइन देखी थी उस माइनिंग को हम एक्सप्लोर करने वाले कि उस माइन में क्या है एक्चुअली। ठीक है, और लगभग वो बड़ी माइन दिख रही थी, तो मुझे लावा वगैरह मिल सकता है। और डायमंड की बात करूँ तो लेवल 12 पे आपको डायमंड मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत लक का भी एक फैक्टर रोल प्ले करता है, और आपका कितना अच्छा सीड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है गाइस। बट लेवल 12 पे तो मिल ही जाता है अप्रॉक्सीमेटली, बस थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है गाइस। और इस तरह से माइनिंग करो जिस तरह से आप अंदर जा सकते हो, और क्यों मिल गए गाइस, तो आपको डायमंड मिलने के खूब सारे चांसेस है, मतलब आपको डायमंड मिल सकता है क्यों में, क्योंकि जहाँ पे आपको कहाँ गए मेरी जगह, वो जहाँ से ऊपर जा सकता है, को मैं ढूंढ रहा हूँ जगह को, ये रहा ये साइड। तो आपको जहाँ पे लावा वगैरह है, जहाँ पे ऑब्सिडियन है, उस साइड आपको डायमंड कास्ट से मिल सकते हैं गाइस। तो चलते हैं ऊपर, जो कि देख सकते हो हमने ऊपर के बनाया था, तो अब इसको ऊपर चलते, और मुझे लगता है मेरे को ब्लॉक की जरूरत। ओ गाइस क्या फटा अभी यहाँ पे, क्रीपर था शायद गाइस, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो तो फट गया तो कोई नहीं, अभी हमने को कोई डैमेज नहीं दिया उसने। तो चलते ऊपर, मेरे पास ब्लॉक है ये 7, इसके इससे ऊपर चलते हैं गाइस। मुझे स्टेयर बना के लानी चाहिए थी गाइस, क्योंकि स्टेयर की ज़रूरत पड़ने वाली थी इसमें। और गाइस देख सकते हो मैंने टॉर्च हाथ में ले लिए, और अभी चलता हूँ गाइस, कुछ दिख भी नहीं रहा है। और गाइस आपको पता है मोबाइल में आप जैसे टॉर्च हाथ में लेते हो तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिलती है, बट पीसी में आपको मिल सकती है जावा एडिशन में। तो चलो चलते हैं अंदर इस तरह से गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा आयरन है तो आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ थोड़ा, अभी गोल्ड वगैरह मिल जाए तो ठीक है। तो चलते हैं अभी नीचे आ रहा गाइस, यहाँ पे आयरन है पर यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट, चलो सही है कोई नहीं, डैमेज नहीं मिला ज़्यादा, पर मुझे ऊपर जाने के यहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा। अरे डायमंड की ओर ये, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाता हूँ मैं। चलो ये आयरन को हम बाद में लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं गाइस। तो एक साइड जाते, ये नीचे तो नहीं जाएंगे हम क्योंकि नीचे तो थोड़ा अलग ही लग रहा है, इस साइड देखते हैं थोड़ा बहुत देख के। तो आपको देखो पात आपको याद रखने के लिए, ऐसे जो केव्स होते हैं ना, जो कि भूल भलैया टाइप होते हैं, जो आपको रास्ता मिलने में काफ़ी दिक्कत कर दिया गया जाने में, तो आपको टॉर्चेस यूज़ करना है। तो जिस साइड से आपको जाना है उस साइड टॉर्चेस यूज़ करते चले जाना है गाइस। अब ये देख सकते हो यहाँ पे ये काफ़ी नीचे माइन जा रही है गाइस, इससे मुझे पता चलता है कि लेवल 12 पे मुझे 100% डायमंड मिल सकते हैं गाइस। तो ये लेवल 12 पे जाएगी क्योंकि नीचे जा रही है, और वो कैसे पता चलता है आपके वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, जो कि अभी मेरे 36 है देख सकते हो। तो अभी लगा देता हूँ और एक टॉर्च, क्योंकि टॉर्चेस काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस। गाइस मकड़ी, मुझे शॉर्ट लेनी पड़ेगी हाथ में, ये मुझे कुछ तो करेगी तो नहीं, गिरा दी नीचे तो शायद मर गए। चलो ठीक है अभी चलते हैं, और दूसरी भी मकड़ी आ रही है गाइस, आ जा इससे पहले इसको मार लेते हैं सबसे पहले। और गाइस ऐसे कोने पे आप क्राउच करके काम करा करो क्योंकि गिरने का काफ़ी खतरा होता है। तो चलो चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत जगह दिख रही है मुझे। ओ गाइस इसने काफ़ी डैमेज दिया, नहीं किधर गई ये मकड़ी, थोड़ा बहुत फूड खा लेते हैं गाइस, फूड खाना भी काफ़ी जरूरी है, और मैंने काफ़ी फूड बना के रखा था। चलते अंदर, ऊपर जाने के लिए मुझे ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली है। अरे यार शॉट तो मैंने एक ही हाथ में मेरे शॉट, एक टॉर्च लगा देते हैं यहाँ पे। अरे मकड़ी आ गई, साली मकड़ी बहुत परेशान कर रही है, मार दिया। चलो यहाँ पे लगा देते, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बना देता हूँ।
इस तरह से भी ऊपर जाने के लिए मुझे दिक्कत होने वाली है, तो चलो कोई नहीं, थोड़े से इकट्ठा करके चले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो देख सकते हो गाइस काफ़ी बड़ी केव है, मुझे रास्ता याद रखने के लिए मुझे इस साइड बनाना पड़ेगा या कुछ तो भी। तो मैं यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि जिस साइड मेरे टॉर्चेस है मुझे उस साइड ऊपर जाना है। चल सकते हो इस साइड, ओके इस साइड मुझे ऊपर जाना है, ये मुझे पता चलते रहेगा। चलो टॉर्चेस काफ़ी है, मैंने टॉर्चेस काफ़ी लिया। यहाँ पे पानी का भी आवाज़ आ रहा है, तो देख सकते हो गाइस अंदर लावा भी दिख रहा है गाइस, क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी दिख रही है अंदर, मतलब लावा से विजिबिलिटी होती है। तो गाइस मैंने बोला ना आपको डायमंड ढूंढना है, लेवल 12 पे जाने की कोशिश करो, और अगर आप खुद माइन कर रहे हो आपको केव नहीं मिली है तो आपको लेवल 12 पे जाके आपको हॉरिजॉन्टल माइन करनी है गाइस, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आप केव मिल गए तो केव में 100% डायमंड होते ही है गाइस, थोड़ा बहुत केव को एक्सप्लोर करो। ओके और केव बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि ये मुझे केव मिल गई है, काफ़ी बड़ी केव है। और गाइस मुझे इस साइड को, इस साइड तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो पूरा रोटेशन करके आ गया मैं इस साइड। तो अभी चलते हैं अंदर, तो पानी वगैरह यहाँ पे बहुत सारा है। तो ये लेवल 22 तक अभी मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, ग्रेवल है। ग्रेवल पे गाइस अगर आप जा रहे हो ना तो थोड़ा देख के, क्योंकि ग्रेवल आपके नीचे से जा भी सकते गाइस, क्योंकि नीचे उसको सपोर्ट नहीं रहा ना, तो ग्रेवल नीचे गिर जाते गाइस। तो ग्रेवल से थोड़ा संभाल के आयरन ले लेते, थोड़ा सा यहाँ पे आयरन है, टॉर्च लगा दो। और गाइस माइन में जा रहे हो, टॉर्च हाथ में लो, टॉर्च की आप मतलब कंजूसी मत करो कि टॉर्च में, अब कोल तो इस भी नॉर्मली मिल जाता है, कोल की इतनी कोई रेरेंस नहीं होती चीज़। तो टॉर्चेस जितनी हो सके लेके चलो साथ में, टॉर्चेस की जरूरत होती है गाइस। तो चलो मैंने इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, अभी आगे चलते। और गाइस मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे डायमंड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, और दो ही है शायद। चलो दो तो मिल गए, और मुझे वहाँ से दो मतलब काम तो चल जाएगा, हमारी एक स्वॉर्ड तो बन जाएगी। लग सकते हो गाइस लेवल 15 मतलब मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो लेवल 12 तो हो ही जाने वाला है। तो मुझे लेवल 12 पे डायमंड मिलेगा गाइस। और गाइस ये इस तरह से आपको डायमंड मिल सकते हैं, बस आपको केव सर्च करनी है गाइस। तो चलो उसको ले लेते डायमंड को, क्योंकि यार डायमंड मिले तो खुशी की बात है। प्रीवियस वीडियो में तो मुझे केव नहीं मिली थी, बट यार मिल जाती है, क्योंकि इसको मुझे सबसे पहले थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा यार, बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे ये। थोड़ा सा रास्ता बनाते हैं यहाँ पे, और लावा से संभल के गाइस, क्योंकि लावा पे अगर यहाँ पे ग्रेवल वगैरह होता ना तो वो अंदर चला जाता गाइस। तो आ गए यहाँ पे, मुझे तीन डायमंड तो मिल रहे हैं, और डायमंड को तोड़ना है आपको तो आयरन के पिकैक्स से तोड़ना है गाइस, ये ध्यान रखिए। तो तोड़ लेते हैं गाइस, डायमंड मिला क्या नहीं गाइस मुझे देखने दो। अरे गाइस डायमंड क्यों नहीं मिला, ये रहा यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे गिरा था। अरे गाइस यहाँ पे तो काफ़ी सारे डायमंड दिख रहे हैं मुझे, दो मिल गए, चार डायमंड तो मिल जाएंगे इस, क्योंकि अभी मेरे पास कोई तलवार मतलब पिकैक्स इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे मुझे एफिशिएंसी वगैरह फॉर्चून की पिकैक्स नहीं है। तो चार डायमंड मिल गए, तो चार और चार आठ डायमंड हो गए। यहाँ पे रेड स्टोन भी है गाइस, और काफ़ी सारा रेड स्टोन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पर लू कैसे मुझे, चलो कोई नहीं ले लेते इसको, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रास्ता बना देता हूँ। और गाइस संभाल के मेरे पास ख़त्म हो रहे हैं, मुझे लेना पड़ेगा थोड़े, थोड़ा सा क्राउच करके चलते और रेड स्टोन ले लेते हैं, क्योंकि रेड स्टोन की ज़रूरत होती है गाइस, आपको करंट का कोई भी काम करना है तो रेड स्टोन की ज़रूरत होती है। अभी तक मुझे ये चीज़ नहीं मिली जिसको हम एंचेंट कर सकते, उसको क्या लैपिस, जो लैपिस होता है वो मुझे नहीं मिला। यहाँ पे काफ़ी सारा रेड स्टोन है, तो ले लेता हूँ जितना होगा। इस गाइस गाइस अभी मैं लावा में गिरता था गाइस, यही होता है जब आप ग्रेवल के नीचे कुछ करते हो गाइस, ऊपर अगर ग्रेवल है तो ग्रेवल आपके ऊपर आ जाते हैं, इस तरह से देखा होगा आपने किस तरह से हुआ। अभी मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खतरा है गाइस, अगर थोड़ा भी मैं इस साइड हो गया ना तो सीधा लावा में, और जितने मुझे डायमंड मिले वो सब मेरे चले जाएंगे। थोड़े बहुत ये कबल स्टोन भी इकट्ठा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आगे जाने के लिए मुझे कबल स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलते आगे, इसके लिए मुझे थोड़ा रूट बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा ही रूट बनाया करो गाइस, क्योंकि यार खतरा है गाइस, अपने पास अभी डायमंड है चार तो यार रिस्की है, मतलब मरना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑप्सीडियन है गाइस, पर ऑप्सीडियन को अभी मैं ले नहीं सकता, उसके लिए पिकैक्स की ज़रूरत पड़ती है, और गाइस ऑप्सीडियन काफ़ी ज़रूरत होती है नेदर पोर्टल बनाने के लिए। तो हम अगले एपिसोड में नेदर पोर्टल बनाने वाले गाइस, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये वाटर नहीं आना चाहिए गाइस इस साइड, क्योंकि वाटर मुझे वहाँ पे फ्लो करके ले सकता है गाइस, तो वाटर से भी बच के यहाँ पे भी थोड़ा ग्लो रेड स्टोन है, इसको भी ले लेता हूँ मैं। तो चलो रेड स्टोन की काफ़ी हो गई अभी हमारे पास। और गाइस आप सामने मुझे लैपिस भी दिख रहा है, तो यही चाहिए था मुझे, लैपिस भी ज़रूरत होती है गाइस, क्योंकि हमें एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे तो लैपिस की भी ज़रूरत होगी। अरे आगे क्यों नहीं जा रहा है, तो चलो आ गए, तो यहाँ पर लैपिस दिख रहा है गाइस, तो लैपिस को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत है, और इस साइड थोड़े बहुत दिख रहे हैं मुझे, तो चलते हैं उस साइड। जैसे कि मैंने बोला आपको लेवल 12, देखो लेवल 30 है मुझे, इस साइड ही मुझे सब कुछ मिल रहा है। मैं बोलता हूँ रेड स्टोन हो गया, लैपिस हो गया, और डायमंड, ये तीनों साथ में ही होते हैं, मतलब जहाँ पे लेवल 12 लेवल 30 वहाँ पे आपको मिल जाते हैं गाइस। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स याद रखने, उसी कोऑर्डिनेट्स पे आपको डायमंड को आपको उम्मीद रखना है, मतलब उसी में इसको आपको मिल सकते हैं, बाकी तो आपको ऊपर तो नहीं मिलने वाले। अगर और आपको अगर माइन करके भी ना आपको डायमंड चाहिए, तो एक तो डेजर्ट टेम्पल हो गया,
जंगल टेम्पल में डायमंड नहीं मिलते गाइज, मैंने तो कभी नहीं देखे मुझे डेजर्ट, मतलब जंगल टेम्पल में मिलते हुए, बट डेजर्ट टेम्पल में मिलते हैं गाइज। शायद यहाँ पे अंडरमैन था, मुझे मारे ना क्योंकि मैंने उसको देखा शायद। तो चलो अभी मुझे कोई पंगा नहीं लेना है किसी से, क्योंकि मुझे सीधा ऊपर जाना है, और बहुत ही लालच, अभी इतनी लालच नहीं करनी है, हमें सीधा निकलना है हमारे घर की तरफ गाइज, क्योंकि यार काफ़ी सारा सामान तो मिल गया हमें। तो चलते हैं अभी घर की तरफ, थोड़ा खोल लेता हूँ यहाँ से। गाइस कभी कभी इसको भी थोड़ा करो, क्योंकि कभी कभी इससे हमें फ्लिंट भी मिल सकता है, और फ्लिंट मुझे फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए काम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे तो हमने एक्सप्लोर कर लिया था, और काफ़ी काफ़ी बड़ी माइन है गाइस, मैं दिखा सकता हूँ। तो यार काफ़ी बड़ी माइन है, पर डर लग रहा है, क्योंकि अगर मरने का बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मरा तो मेरे 4 डायमंड तो चले जाएंगे, और वैसे ही डायमंड तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं गाइस, और हमें डायमंड मिल गए हैं गाइस, ये अच्छी बात है, अपनी किस्मत की बात है। तो चलते हैं अभी सीधा आप ऊपर, चलते हैं हमारे घर की तरफ, क्योंकि हमें देखा जाए तो देखो 4 डायमंड मिल गए, और लेपिस भी मिल सकता है हमें, कुछ लेपिस भी 32 मिल चुके हैं, मतलब 32। तो चलते हैं अभी ऊपर, तो ऊपर जाना है तो मुझे कबल स्टोन है, चलो कबल स्टोन है मेरे पास, तो इसको अभी ऊपर लेके कबल स्टोन से ऊपर चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी आयरन है गाइस, काफ़ी आयरन है, मैं इसको तोड़ूंगा तो नीचे जाने वाला, इसको बाद में लेंगे आयरन को, मैं बाद में माइनिंग कर सकता हूँ आयरन की, बट जो आपको इंपॉर्टेंट है वो वीडियो में दिखा दूंगा मैं। तो चलते हैं अभी ऊपर, तो आ गए गाइस ऊपर यार, मतलब बहुत ही रिस्की जगह से ऊपर तो आ गए हैं। अभी यहाँ का थोड़ा आयरन है, यहाँ का आयरन ले लेता हूँ थोड़ा, और एनविल बनाना है गाइस, और एनविल से मुझे वो जो है उसको रिपेयर करना है, और स्केलेटन की आवाज़ आई। ओ गाइस रुको, किसने मारा, अबे रुक जा भाई रुक जा, अब मार, रुक अब आ रहा है तेरे को, रुक जा, उसको इसको हमें मारना है इस तरह से। तो चलो मर गया गाइस, यहाँ से एरो मिल गया मुझे, क्योंकि एरो बो के लिए एरो तो इम्पोर्टेंट होते हैं गाइस। तो चलो ये आयरन ले लेते हैं यहाँ से थोड़े, अगर क्रीपर फट गया ना तो यार काफ़ी डैमेज देने वाला है, इसलिए अभी ऊपर चलते हैं। अरे बैट्स बीच बीच में है गाइस, उसमें कुछ हमें ख़तरा नहीं है, तो इसको मैं तो रास्ता तो बन गया थोड़ा बहुत। तो चलो अभी इस साइड तो हम जाने वाले बाद में, तो अभी तक तो हमें काफ़ी चीज़ें मिल चुकी है डायमंड की, तो चलते हैं अभी ऊपर फटाफट। तो गाइस यार लक हो गया अपनी, और वो गाइस काफ़ी बड़ी माइन है, मैंने सिर्फ एक साइड की माइन कंप्लीट की है, वो माइन तो गाइस काफ़ी बड़ी है, उसको मैं अगले एपिसोड में थोड़ी और माइनिंग एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एक एपिसोड में पूरी माइन एक्सप्लोर करने के बाद इंटरेस्ट नहीं बचता, इसलिए मैंने आज थोड़ी सी एक्सप्लोर की। और साइड भी हो सकता है गाइस, और ऊपर नाइट हो रही है, तो घर में चलते हैं फटाफट, रेंडर माइन की तरफ मत देखो। और गाइस काफ़ी सारा वीट मेरा उगा है, इसको मैं थोड़ा तोड़ लेता हूँ बट अंदर जाके। और गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ है, और गाइस मैं आपको बता दूँ कि एनविल किस तरह से बनाना है, थोड़े बहुत फर्नेस में रख देता हूँ, तब तक ये मेरे आयरन बन जाएंगे। तो डायमंड को मैं अपने अपने संभाल कर रख देता हूँ। और गाइस मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि मैं एक स्टोरेज हाउस बनाने वाला हूँ, उस स्टोरेज हाउस में मेरे पूरे अच्छे चीज़ रहेंगे। देखो ज़ॉम्बी बाहर, अरे कोई नहीं कर सकते, आप नॉर्मल में मोड में खेल रहे हो ना तो डोर नहीं तोड़ते हैं गाइस, और आप हार्ड मोड में खेल रहे हो तो वो डोर तोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कुछ ब्लॉक्स, अभी मेरे पास 3 ब्लॉक्स की ज़रूरत है आयरन की, तो यहाँ पर मेरे पास आयरन नहीं है, इसमें है शायद आयरन, यस आयरन को ले लेते हैं, और अभी ब्लॉक बना लेते हैं आयरन के। ये देखो 3 ब्लॉक चाहिए हमें, 2 3, 3 ब्लॉक हो गए। अभी एनविल के लिए थोड़े बहुत हमें इग्नेट भी चाहिए होते, तो इसमें से कितने इग्नेट मिल गए, तो चलो 4 तो मिल गए, मतलब अब इससे मैं बना सकता हूँ एनविल शायद, देख लेते हैं। आपको रेसिपी यहाँ से मिल जाएंगी देखो एनविल की, तो इस तरह से मैं तब मैं एनविल बना सकता हूँ, तो मैंने एनविल भी बना दिया। और एनविल को मैं कहाँ पर प्लेस करूँ, यहाँ पर प्लेस करते। अभी एक बो बना देते, बो के लिए मुझे स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बो की रेसिपी देख लेते एक बार। देखो स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ रही है कुछ स्टिक्स की, बस कोई चीज़ें नहीं हमारे पास, दोनों है, स्ट्रिंग तो मेरे हाथ में ही, अभी मैंने स्पाइडर को मारा था, और स्टिक्स तो मेरे पास शायद नहीं दिख रहे मुझे, वुड से बनाने पड़ेंगे, तो चलो वुड से बना लेते हैं स्टिक्स। हाँ स्टिक्स तो नहीं दिख रहे मुझे, वुड से ही बना लेंगे, इस वुड से बनाएंगे, अकेशिया वुड तो काफ़ी पसंद है अपने को, उसको बाद में खर्च करेंगे, तो स्टिक्स बना लेते हैं। चलो सही है, अभी वो बना देंगे, वो की रेसिपी क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ से देते चल, दो स्ट्रिंग कम पड़ रहेगा, इसका स्ट्रिंग है मेरे को डेजर्ट टेंपल में भी लेते स्ट्रिंग, ये रहे। तो चलो अभी एक वो बना सकते हैं, और गाइस वो को रिपेयर करना इस तरह से करो, और गाइस ज़ॉम्बी को मारा करो, क्योंकि ज़ॉम्बी से आपको खतरनाक खतरनाक वो मिलते हैं, जो स्केलेटन होते हैं उससे। देखो ये वो मिल गया मुझे, अब मैं वो इस वो को रिपेयर करने वाला, बाकी सब सामान मैं संभाल कर देता हूँ अंदर, ये लैपिश रेड स्टोन ये सब अंदर रख दिया मैंने, स्पाइडर वगैरह कुछ है, ओके स्पेल वगैरह बनाने के लिए हमें काम में आ जाती है, ये तो वो मिला था, बट मैं अच्छा वो चाहिए जिससे हम रिपेयर कर सके। तो चलते अभी हमारे पास जो हमारे पास एंचेंटमेंट वो मिला था, जो मैंने पहले एपिसोड में मैंने जिसको स्केलेटन को मार के जो वो मिला था, वो किस साइड रखा है मैंने, वो शायद मैंने इस साइड रखा है, तो इससे बो ले लेते हैं वो, ये रहा बो, जिसमें देखो अनब्रेकिंग और पावर 1 है गाइस, तो मतलब काफ़ी सही बो मिला है, बस इसको रिपेयर करना बाकी है, और रिपेयर तो हमें बस नॉर्मल बो से ही कर सकते हैं। इसको क्या करना है, एनविल की ज़रूरत है गाइस रिपेयर के लिए, तो हमें इस बो को इस साइड रखना है, और जो एन्चेंटमेंट बो है उसको मैंने कहाँ लिया, ये रहा, इसको यहाँ पर रखना है। तो देख सकते हो गाइस मुझे कुछ मेरे XP लगने वाले, और मेरा बो रिपेयर होकर रेडी है गाइस, तो इस तरह से बो मेरा रिपेयर हो गया है गाइस।
अभी मेरे पास कुछ एंचेंटमेंट बुक्स है जिसमें इन्फिनिटी है गाइस, जो इन्फिनिटी मतलब आपके पास अगर बैक में एक ही एरो है तो हम उसे अनलिमिटेड टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं गाइस, मतलब आपके एरो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इन्फिनिटी यूज़ कर लेते हैं। इम्पेलिंग तो ट्राइडेंट में लगने वाली, इसकी भी ज़रूरत नहीं। ये तो लूटिंग, और ये इन्फिनिटी अभी दिखी थी मेरे को, ये रही। तो इन्फिनिटी को हम उसके अंदर देख सकते हैं, प्लेस कर पाते या नहीं। यहाँ पे रखते हैं, इस बुक को अंदर रख लेते। और गाइस देख सकते हो इसमें बाइट रहा है और एक्सपी मेरे पास 5 शायद है मेरे पास, तो इसको एनचेंट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस बस अभी अपने पास ये बो खतरनाक बो है गाइस, जिसको मुझे संभाल रखना है और हर टाइम इसको मुझे रिपेयर करना होगा। अभी देखते हैं मेरे पास कुछ एरोज़ वगैरह है क्या। यस अभी देख सकते हो एक एरो है गाइस, तो मैं इसमें अनलिमिटेड ये कर सकता हूँ। दिखा देता हूँ मैं आपको कि कोई भी कितने भी दूर हो मैं आपको अभी इसको मार सकता हूँ गाइस। और पावर 1 का है मतलब थोड़ा बहुत एनचेंटमेंट है, और इसके बाद पावर 2 का, ये देखो ज़ॉम्बी आ रहा है, इसे साथ में मार लेते हैं। अभी हमारे पास कितने भी एरो बचने वाले, मतलब हम अनलिमिटेड एरो चला सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें इन्फिनिटी डाला है। देख सकते हो यहाँ पे मेरे 3 है, अनब्रेकिंग पावर, इन्फिनिटी। तो गाइज स्केलेटन ने तो मेरा काम आसान ही कर दिया, कितने भी एरोज़ मार सकते हो गाइज, कोई अनलिमिटेड एरो, बस आपके बैग में एक नॉर्मल एरो चाहिए गाइज। और हमें अलग अलग टाइप के भी एरोज होते हैं बट वो अनलिमिटेड काम नहीं करते, बस नॉर्मल एरो। तो इसको मैं थोड़े बहुत इसको भी काट लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइस मुझे ऐसे काफ़ी सारा वीट वगैरह मिल गया, तो अभी हम वेजिटेरियन कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल चिकन खा के बोर हो गया यार, थोड़ा बहुत ब्रेड वगैरह खा ले। तो चलो यहाँ से मुझे काफ़ी सारा सामान भी मिल गया, और जो हमारे पास सीड्स है उसको वापस लगा देते हैं। तो सीड रहे, देखो गाइस कितने सीड मिल गए। मैंने जैसे बोला तो आपको बस एक ही बार काटने की जरूरत होती है, बाद में तो आपको अनलिमिटेड मिलते ही चले जाते। अभी हमारे पास पोटैटो वगैरह और आने वाली चीज़ है, वो पोटैटो वगैरह हमें किससे मिल सकते हैं विलेज में जाकर, तो विलेज में जाएंगे हम। तो चलो लगा देते इसको फटाफट, अभी काफ़ी सारे सीड हो गए। और ये सीड आप मुर्गी को खिला भी सकते हो, उसे आपको ब्रीडिंग कर सकते हो चिकन से। ये देखो हॉर्सेस को गाइस, इस तरह से हॉर्सेस को अट्रैक्ट भी कर सकते हो गाइस, इस तरह से देखो शिप्स वगैरह गाय अट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, तो अब इनको खिला सकते हो, इनसे ब्रीडिंग कर सकते हो। बट एनिमल ब्रीडिंग हम बाद में करने वाले। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता था हूँ, मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ वो चीज़ की मैंने स्टार्टिंग कर दी गई है। मैं बनाऊंगा जो इस साइड बनाने वाला हूँ, गाइस देख सकते हो इस साइड मैंने बनाया है। ये क्या होगा, इसके ऊपर भी थोड़ी बिल्डिंग आने वाली है, बट गाइस ये मेरा जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे सामान रखने वाला, तो स्टोरेज हाउस है। देख सकते हो इस तरह से अंदर जाने वाला हूँ, इसका मैंने काम स्टार्ट किया है। तो अभी इसमें मैं चेस्ट वगैरह लगाने वाला हूँ, तो ये मैं आपको बताना चाहता था गाइज़। तो आज की वीडियो बस करते हैं गाइज़, जितनी सी होती है सब होनी चाहिए, क्योंकि यार ज़्यादा बड़ी वीडियो आपको भी पसंद नहीं होगी, मैं तो भी बना दूंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़ बस करते हैं आज की वीडियो में, अगले वीडियो में मैं कुछ एनिमल्स को ये करूँगा, मतलब अपने इसमें तबेला बनाऊँ, क्योंकि हॉर्सेस यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉन हो रहे हैं गाइज़। तो मैं हॉर्सेस को भी लगाऊंगा, जो मेरे पसंदीदार हॉर्सेस है वहाँ पे रखूँगा, और 2 सैडल बस हो गए गाइज़ अपने सर्वाइवल के लिए। और कुछ कल एडवेंचर भी करेंगे, कुछ विलेज की तरफ एडवेंचर करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ से पोटैटो वगैरह मिल जाए तो ठीक है। और गाइज़ वीडियो पसंद आती है गाइज़ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने को जल्दी से जल्दी 1K टारगेट कंप्लीट करना है गाइज़, थोड़ी सी मेहनत लगी गाइज़ पर कुछ ना गाइस सपोर्ट करते रहिए। और गाइस कुछ सजेशन हो तो सजेशन बिल्कुल दे सकते हो गाइस, क्योंकि यार अपने को भी अभी नए हैं यूट्यूब में, तो आप सजेशन दे सकते हो, उस पर मैं ज़रूर आपको मतलब आपका उसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करूँगा अगर ऐसे सपोर्ट कर सकते हो गाइस। तो ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।